किसान एग्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का शहर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आज हम इरशाद मुजावर मल्लेवाड़ी इनके प्लॉट में आए हैं। इनका कैप्सिकम का प्लॉट है, शिमला मिर्ची बोलते हैं, शिमला मिर्ची कैप्सिकम का प्लॉट है। और यहाँ पे हम आर्टिस्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के दो दवाइयाँ यूज़ करने वाले हैं, जो थोड़े से अभी मार्केट में सबसे अलग दवाइयाँ हैं और इम्पोर्टेड है, जिसमें का हाइड्रोमैक्स बोल के है, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोमैक्स। इसमें प्रोटीन है 40%, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है 6%, ऑर्गेनिक कार्बन है इसमें 20%, और टोटल अमीनो एसिड है इसमें 38 से 40%। और दूसरा प्रोडक्ट है ये अस्टिन, ये अस्टिन बायो स्टिमुलेंट है, ये आप इसका नाम देखे सीधा अस्टिन बायो स्टिमुलेंट है। इसमें अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, ये सब आप इसमें देखेंगे। और ये हम अभी इनको कितने दिन का प्लॉट है आपका? 8 दिन। 8 दिन का प्लॉट है, यानी कि 8 दिन हो गए उसका रिप्लांटेशन करके। और हम वो प्लॉट में भी देखने जाएंगे, अभी इसमें दवाई हम मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर। अस्टिन 1 से 1.5 ml है पर लीटर, और हाइड्रोमैक्स 2.5 ml पर लीटर। और ये अभी इसमें डाल रहे हैं, ये 20 लीटर का पंप है, 20 लीटर के पंप को 1.5 ml यानी बोले तो 30 ml। ओके, अब इसमें हम पानी भरेंगे और प्लॉट में स्प्रे करते हैं। तो अब देख सकते हैं हम इसको अभी यहाँ से शुरू किया है लाइन से बीच में से स्प्रे, इस दवाई का रिजल्ट जो है इसी वीडियो में आगे है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना जरूरी है। और देखिए इनका मोबाइल नंबर भी मैं स्क्रीन पे नीचे दे दूंगा, आप इस वीडियो के लास्ट में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा। और 2 या 3 दिन के बाद इसका रिजल्ट भी देखने के लिए आऊँगा, उसका भी वीडियो बनाऊँगा, वो भी अपलोड कर लूँगा इस पर, आप देख लीजिए। और किसान एग्रो यूट्यूब चैनल में बहुत दिनों के बाद आज पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ से कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, डेमोस्ट्रेशन के वीडियो आते रहेंगे, रिजल्ट के वीडियो आते रहेंगे। और सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, आजीजाना रिक्वेस्ट है, कि मेरा चैनल वापस देखना शुरू कर दीजिए। और जो नए किसान जुड़ने वाले हैं या तो जुड़ रहे हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और आपके बहुत सारे जो मित्र किसान मित्र हैं उनको सबको इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। किसान एग्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का सहर्ष स्वागत। हमने 4 दिन पहले यहाँ पे स्प्रे किया था इरशाद मुजावर मल्लेवाड़ी इनके प्लॉट पे हाइड्रोमैक्स और अस्टिन का, ये दोनों टॉनिक है। हाइड्रोमैक्स में 60% प्रोटीन है और अस्टिन बायोस्टिमुलेंट है। ये दोनों का स्प्रे किया था हमने यहाँ से इस लाइन से 6 लेन तक, और लास्ट के 2 लेन में स्प्रे नहीं किया था। और इधर का भी साइड है, ये भी साइड देख सकते हैं, इसमें स्प्रे नहीं किया है। तो हम अभी किसानों से जानेंगे कि क्या आप इनको डिफरेंस
पता चला है। इरशाद भाई, क्या लगा आपको हाइड्रोमैक्स और अस्टिन जो स्प्रे किया था 4 दिन पहले, उसके इसमें आपको इस प्लॉट में क्या डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? स्प्रे लेने के बाद जो रोप की हाइट है वो हाइट लेंथ बढ़ गया है, और जो ब्रांचेस है वो ज्यादा दिख रहा है, और ये पौधे के ग्रोथ भी अच्छी हुई है, और पत्तियां भी जाड़ हुई, यानी कि पत्तियां जाड़ हुई हैं और उसे यानी कि ब्रांचेस भी निकल रहे हैं, और उसका है। जो स्टीम है वो भी जाड़ा हो गया। जिधर आप जैसे नहीं लिया उसके मुकाबले इधर ब्रांचेस भी ज्यादा है और पत्तियां भी ज्यादा पैमाने पर फूट रहा है। हाँ, और इसका ये पत्ते भी ऐसा बड़ा हो गया है, और इसका ये थिकनेस जो है ये जाड़ा हो गया है, थिकनेस बढ़ गया है। हाँ, जैसे यही ना आप बता रहे कि ब्रांचेस निकल रहे हैं पूरा नीचे से ऊपर तक ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये हमारे साथ एक किसान भाई जुड़े हैं, यहाँ के चंद्र पाटिल नाम है इनका। इनको आप चंद्र पाटिल साहब को पूछेंगे कि इनको क्या डिफरेंस लग रहा है। सर बताइए, आपको क्या इसमें डिफरेंस लग रहा है, मराठी में बोल सकते हैं आप? ये इकडून जे 6-7 ओळीसाठी फवारलेला आहे। 6-7 ओळी, हा, त्याच्यावरती एकदम झाडाचे साईज किंवा झाडाची ग्रोथ एकदम उत्कृष्ट दर्जाने वाढलेली आहे। आणि ह्या ओळीच्या पलीकडची जी ओळ आहे त्याच्यावरती नाही आहे, आणि अलीकडच्या ओळीवरती आहे। हा, इसपर है, एकदम समोर अगदी एकदम गॅप दिसेल त्याचा। यहाँ पे ये डिफरन्स हम देख सकते बोल रहे हो। वो स्प्रे करने के टाइम में चंद्र पाटिल साहब नहीं थे यहाँ पे, मगर प्लॉट उनको पहले से मालूम था। अभी इधर का भी देख सकते आप, और यहाँ से इधर का भी प्लॉट देख सकते, यानी कि तुमच्या मते पण याच्यामध्ये चांगला फरक पडला आहे या दोन औषधामुळे? अगदी भरपूर चांगला फरक दिसलाय याच्यावरती। आणि झाडाची उंची देखील भरपूर प्रमाणात वाढलेली आहे, उंची पण वाढलेली आहे। ओके, आणि रोगाचं जर म्हटलं तर इकडे जरा थ्रिप्स अटॅक दिसतोय, इकडे आहे का, तसं वाटतंय का तुम्हाला, जाणवत आहे का? इकडे काय जाणवत नाही त्याचा, पण ज्या बाजूला नाही फवारलेलं त्या बाजूला नॉर्मल जाणवतोय। नॉर्मल आहे म्हणजे ते थ्रिप्सचा अटॅक आहे, परंतु इकडे पाहिलं तर आपण त्याची ग्रोथ पण कमीच आहे। उदाहरणार्थ आपण एखादं झाड आपण जवळ जाऊनच असं पाहू, हो का? तर इथं झाडाची हाईट पण आहे, पण ब्रांचेस वगैरे याला काही निघालेलं नाहीत। आणि हाईट पण कमी आहे, हाईट जर पाहिली तर याची हाईट कमी आहे तिकडच्या तुलनेत, बरोबर ना? धन्यवाद।